अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार प्रशासन के अधीन विभिन्न विभागों के अंतर्गत वर्ग ग और वर्ग ख के विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए पोर्ट ब्लेयर के ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आज सुबह 9:15 पर तीसरा भव्य रोजगार मेला का आयोजन किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित चयनित उम्मीदवारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में 2721 नियुक्ति पत्र प्रदान किया, जो कि समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक संख्या है। आज 1,00,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाए। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सोशल नेतृत्व तथा माननीय उपराज्यपाल महोदय के सक्षम मार्गदर्शन एवं उज्ज्वल भविष्य की नई उम्मीदों की कामना किए अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा आज तीसरे भव्य एवं बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पोर्ट ब्लेयर में इस मेले का आयोजन किया गया है। लेकिन यह है कि आज के इस तीसरे राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले से 2721 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, जो इस प्रदेश में अपने आप में सर्वाधिक एवं प्रशंसनीय संख्या है। यह संख्या सिर्फ इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक केंद्र से बांटे जा रहे नियुक्ति पत्र में सबसे आगे है। यह रोजगार मेला 46 विभिन्न स्थानों पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,00,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रशासन को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा, किंतु माननीय उपराज्यपाल महोदय के कुशल मार्गदर्शन में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के निपुण और कर्मठ अधिकारियों कर्मचारियों के पारदर्शी तथा उनके निष्ठापूर्ण सतत प्रयासों से
सभी रिक्त पदों पर भर्तियों का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम चरण में रोजगार मेले के अंतर्गत 865, द्वितीय चरण में 258 और आज के तृतीय चरण में शेष 2721 रिक्त पदों पर भर्तियां संभव हो सकी है, जिसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज के युवा देश का एक मजबूत स्तंभ है तथा उत्साह, ऊर्जा और गतिशीलता से युवा वर्ग उत्प्रोत है। ये हमारी विरासत को अपनी क्षमता, कौशल एवं दृढ़ संकल्प के बल पर विकास और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को हासिल करने में सक्षम होंगे, ये हमारा विश्वास है। अंततः प्रधानमंत्री जी के कथन को यथार्थ रूप देने की कामना करते हुए मैं आप सभी नवयुवक अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो तथा राष्ट्र निर्माण में आपका समुचित योगदान रहे, जिससे एक समग्र विकसित भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना सार्थक एवं मूल रूप हो सके। जय हिंद। नमस्कार माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय सांसद, प्रशासन के मुख्य सचिव, डीजी पुलिस, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, युवा वर्ग के वो सब जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, उनके अभिभावकगण, उनके शिक्षकगण, आप सभी आज बधाई के पात्र हैं। स्वतंत्रता के अमृत काल में पिछला लगभग एक वर्ष मैं समझता हूं कि द्वीपवासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कई स्तरों पर रहा है। इसमें एक सबसे प्रमुख स्तर जो है रोजगार मेलाओं के द्वारा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का रहा है। आपने अभी सुना है कि कैसे पहले के दो रोजगार मेलाओं में 3,844 नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे और कैसे आज 2,721 नियुक्ति पत्र, जो कि देश के किसी भी एक सेंटर में सबसे ज्यादा संख्या में दिए जा रहे हैं, वह प्रदान किए जाएंगे। आप लोगों को यह भी याद होगा कि जो सबसे पहला रोजगार मेला हुआ था उसमें भी देश के किसी भी सेंटर में सर्वाधिक नियुक्ति पत्र यही प्रदान किए गए थे। यह अपने आप में एक बहुत ही ऊंचा मापदंड है, लेकिन इसका पूरा परिपेक्ष समझने के लिए आपको यह ज्ञात होगा कि यह खाली प्रशासन के एफर्ट्स से नहीं हो पाता है। हमको बाहर की एजेंसीज जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, NIC वगैरह की सहायता लेनी पड़ती है और ये वो एजेंसियां हैं कि जिनके रिसोर्सेज पर कंपीटिंग रिक्वायरमेंट्स बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से भी आते रहते हैं। इन सारी बाधाओं के होते हुए, द्वीप समूहों की लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स को के होते हुए इतनी बड़ी उपलब्धि, इसका सारा श्रेय मैं प्रशासन के अधिकारियों और चीफ सेक्रेटरी के कुशल नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है उनको आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हैं, परंतु सारे द्वीपवासी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको साकार करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध रहे। धन्यवाद और जय हिंद। ऑनरेबल एडमिरल जी के जोशी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार, श्री कुलदीप राय शर्मा जी, पार्लियामेंट में हमारे साथी मेंबर पार्लियामेंट, श्री केजर चंद्र जी चीफ सेक्रेटरी, श्री द्वेश चंद्र जी BJP और ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी, मीडिया के साथियों, मुझे आज इस पावन धरती जो देश के पावन
शहीदों की धरती है, यहाँ आकर मुझे मौका मिला और विशेष तौर से मुझे तकलीफ हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को वादा किया था कि एक साल में 10 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। जिन लोगों को ये नौकरी मिल रही है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनके माँ बाप पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। और ये खुशी की बात है कि जिन बच्चों को आज नौकरी मिलेगी, आजादी के अमृत काल में देश को तरक्की करता हो देखेंगे, देश को खुशहाली की तरफ जाता हो देखेंगे, देश को विकसित बनाने में वो योगदान भी देंगे, उसके गवाह भी बनेंगे। आज देश दुनिया का सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री भारतवर्ष है और दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है और इंडिया हैज बिकम एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। सबसे ज्यादा निवेश आज भारतवर्ष में दुनिया से हो रहा है क्योंकि ये देश तरक्की के लिए ऐसा माहौल यहाँ पे पैदा हुआ है और हमें दुनिया को विश्वास है कि भारत ऐसा देश है जहाँ हम सेफ आराम से काम कर सकते हैं। जिन बच्चों को आज नौकरी मिली है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। आज यहाँ कोई 2727 लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगी, बहुत बड़ी संख्या में। ये देश में सबसे नंबर वन है जिसकी आज सबसे ज्यादा नौकरी मिल रही है। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी साहब को, गवर्नर साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतने बड़े लोगों को नौकरी दी है और उन बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। मैं आस करता हूँ देश की तरक्की में, देश की खुशहाली में, देश को अग्रसर बनाने में, देश को समृद्ध भारत बनाने में, विकसित भारत बनाने में वो कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। देश को जो दुनिया का सबसे विकसित देश बनने वाला है उसमें सारे योगदान डालेंगे और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ किया, बहुत बढ़िया। मैं कई मेलों में हर साल हर महीने जाने का मौका मिलता है, पर अंडमान निकोबार में जो इस ढंग से ये मेला अरेंज किया गया है सबसे बेस्ट है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद सारे एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है। और उन बच्चों को एक बार फिर मुझे शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अक्षय भारद्वाज जीटीटी हिंदी शिक्षा विभाग, के शरू निशा जीटीटी लाइसेंस शिक्षा विभाग, सी मोहम्मद शोएब हेड वर्कर स्वास्थ्य विभाग, जय 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 जय